गाइज व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया में। अभी निशा बोली कि दीदी हमको कल सुबह घर जाना है, तो फिर मैं बोला कि चलो ठीक है। फिर हम लोग को भी अभी जा रहे हैं, ये जितना भी कपड़ा वगैरह है अभी सब फोल्ड करने चलते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि निशा ने क्या गिफ्ट दिया है, उसका भी अनबॉक्सिंग होने वाला है तो आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी यहाँ दो छोटा छोटा ट्रॉली है, तो अभी इसको भी सारे सामान को सही रखना है। और निशा आज गई थी थावे, तो कैसा लगा निशा तुमको? बहुत थावे सबके साथ पहली बार थावे गए थे, तो पता नहीं क्यों आई है। तो एक दिन थी यहाँ पे, उसके बाद से बोल रही है हमको जाना है जाना है जाना है, तो बस इससे यही पूछेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत भी नहीं है, मम्मी भी बोल रही थी रहने के लिए, पापा भी बोल रहे थे, सबको भी बोल रहा था रहने के लिए। और यहाँ पे मिस्टर राज भी आ गए हैं, तो ये कुछ अभी हिसाब वगैरह कर रहे हैं। बाकी थावे मंदिर का पड़किया और थावे का प्रसाद अभी रखा हुआ है। सामान इतना ज़्यादा हो गया है कि क्या ही बताएं। आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं, आज हम जब थावे जा रहे थे तो एक ज्वेलरी पहन के जा रहे थे जो कि यहीं पर टूट गया। और ये कुछ ऐसा है, जैसे इसको पहनो ना ऐसे करके दिखा। अरे बताओ, स्वयं पहन ली निशा को सोचते हैं एकदम ब्लैक कलर का एक साड़ी गिफ्ट करें, ताकि उसका फुल बाजू एकदम सिलवाए और उसके बाद से मस्त मस्त फोटो डाले। तो अभी मम्मी पापा का पासपोर्ट भी हमको दिख गया, क्योंकि मम्मी पापा का पासपोर्ट हमको देना है, और ताकि ये सब चीज़ें होता है ना अच्छे से रखना होता है। अभी पापा मम्मी से बात भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जब टाइम मिल रहा है तो सो जा रहा है, नहीं तो उसके बाद बिजी हो जा रहा है। तो मम्मी से एकदम थोड़ा सा बात हो रहा है, ये लग रहा है कि 30-40 सेकेंड इस तरह, एक मिनट दो मिनट बस। तो पापा का भी हाथ, बहुत सारे लोग ना पापा का मम्मी का बोल रहे थे कि वो लोग शादी में क्यों नहीं आए। शादी में तो मम्मी आई हुई थी, बाबू भी आए, बाबू बोल रहे भैया मेरे आए हुए थे, और निशा नहीं आई थी क्योंकि पापा को देखना था वहाँ पे। पापा का हाथ में जो भी प्रॉब्लम था उसको काफ़ी ध्यान से उसमें मेडिसिन वगैरह देना होता है, तो इसकी वजह से फिर पापा का बहुत मन था। क्योंकि आप लोग खुद सोचो ना कि एकदम इतना नज़दीक हो कि अगर कोई ना आए तो अफसोस की बात है, बट पापा का बहुत मन था। वो अभी हॉस्पिटल में थे ना, बोल रहे थे हाँ पापा ऐसे हालत में ना तिलक वाले दिन बोल रहे थे कि हम जाएंगे, लेकिन फिर भैया बोले कि नहीं पापा, क्योंकि डॉक्टर बोला है कि अगर हम चलेंगे, और फिर खास करके तिलक हो शादी हो इसमें क्या होता है ना, हाथ में अगल बगल आदमी जाता है तो टच हो ही जाता है भीड़ भाड़ में, तो इससे कोई प्रॉब्लम हो इससे अच्छा है कि नहीं आए तो ठीक है। बट मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, हम सोच रहे थे कि यार पापा ठीक रहते तो कितना अच्छा लगता, पापा आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हर चीज़ का ख्याल रखना। हम बाला जाते हैं तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का हम लोग को इतना बोलते हैं टाइम से खाओ पियो, प्लस शादी तो नहीं, शादी में भी नहीं आ पाए। और पार्टी वाले दिन शादी में मम्मी आई हुई थी, तिलक में मेरे दोनों भैया आए थे, सब लोग आए हुए थे वहाँ से, और पार्टी वाले दिन बस मम्मी भी नहीं आई थी, पापा भी नहीं आए थे, तो निशा आई थी, क्योंकि एक आदमी को रहना बहुत ज़रूरत था लेडीज़ को, इसलिए मम्मी नहीं आई थी। हालांकि हमने मम्मी को पापा को बोला था, ऐसा नहीं है कि मम्मी भी बोली थी आने के लिए, बट शादी में आई थी। और मम्मी का गिफ्ट कितने लोगों को पसंद आया आप लोग ज़रूर बताइएगा। जी मम्मी ने गिफ्ट किया था वो हमने खुद देखा भी नहीं था, क्योंकि हम लोग दुल्हन लाने के लिए वहाँ पे रुके हुए थे नंदना को लाने के लिए, क्योंकि उसका विदाई था, तो हम पूजा दी ये सबको ही रुके हुए थे, और तब तक मम्मी यहाँ आई, तो मम्मी को सुबह ही जाना था, क्योंकि शादी 4 दिसंबर को था और 5 दिसंबर को पापा को लेके जाना था हॉस्पिटल। इसलिए क्या हुआ कि मम्मी को लगा कि नहीं सुबह ही जाना होगा, तो मम्मी आई और फिर जो भी गिफ्ट वगैरह था दे दी। उसके बाद से मम्मी बोल रही थी जाने के लिए, लेकिन जाते जाते भी काफ़ी लेट हो गया था, तो पापा को फिर अगले दिन जाना पड़ा, क्योंकि 4 को जाना था तो 5 या 6 को गए पापा, तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम थी। इसलिए लेकिन सब लोग बहुत अच्छा कमेंट किए थे कि इसके मम्मी पापा तो मतलब इतना दूर से मैनेज कर लिए, तो मेरे को अच्छा लगा। और बस निशा शादी में नहीं आई, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार निशा क्यों नहीं है शादी में, इसको आना चाहिए था, क्योंकि शादी में और भी मज़ा आता, बट पार्टी में आई तो पार्टी में भी बहुत इंजॉय किए हम लोग,
डांस वगैरह नहीं था कि हम तो थोड़ा बिजी हो गए थे। हालांकि हमको कहीं कहीं रंजना के साथ भी रहना पड़ा था और अमित किट्टू आए थे तो उनके साथ भी मस्ती करना था, तो पार्टी में बहुत मज़ा आया था हमको। यहाँ पे है निशा और यहाँ पे देख सकते हैं सारा कपड़ा ऐसे छीटा पड़ा हुआ है क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी जाना था, तो इसलिए मिस्टर राज का कपड़ा मेरे को ज़्यादा डर रहता है सही से रखने का। मेरे को भी बहुत पार्टी में निशा का ये वाला लहंगा कैसा लगा था आप लोग जरूर बताना। ये बहुत अच्छा लगा था, सुंदर है, मतलब इसको कितना भी पहन लेना ये उतना वो नहीं है कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो, बहुत लाइट वेट है इसका लहंगा। तो शादी में पहन आए थे बट शादी में नहीं आते, सोची कि पार्टी में पहन लेते। इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा, इसका ब्लाउज देखिए कैसे सिलाई थी, वही वो सीधी सीधी थी, मौसी जी सिली थी। वाह, इसका बाजू भी अच्छा लग रहा है, बैक भी इसका बहुत अच्छे से सिलाया हुआ है। तो ये है निशा का ड्रेस जो कि शादी में वेयर की हुई थी। बाकी हम इसमें अपना मेकअप का सामान रखे हुए हैं, इस ट्रॉली में जो सामान होता है वो रखे हैं, अभी ड्रॉल में भी कुछ कुछ सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो सब कुछ अभी सही करना है। खाना पीना तो दिन में बहुत ज़्यादा सब्जी बन गया था और रात में भी भुजिया बनाना था तो रंजना बना रही थी, फिर हम भी चले गए थे और अभी बन रहे भुजिया क्योंकि बाबू को भुजिया खाना है। बाकी मिस्टर राज और मम्मी ये लोग पार्टी में गए हुए थे तो वो लोग ये लोग खा के ही आए हैं थोड़ा बहुत, तो और अभी भुजिया वगैरह बन गया, सब कोई खा पी के अभी पूजा दी को भी सारा कपड़ा वगैरह फोल्ड करना है, बस बाबू भी आके बुला रहे हैं निशा को। तो ये भी अब गई शूट करने, तो आप लोग देखिएगा आगे क्या शूट हो रहा है। बस अब रहने देते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं। अभी इस अलमीरा में भी देख सकते हो आने के बाद जो हमारा लहंगा है ना वेयर कर लिए थे वो यहाँ पे। हम सोच रहे थे कि इस बार ना आप लोगों को अपनी शादी का लहंगा दिखाएंगे कि हमारा बहुत सारे लोग देखना चाह रहे थे कि मेरा शादी का लहंगा मेरा इंगेजमेंट का लहंगा कैसा है, तो आप लोगों को शेयर करेंगे अगर हो सकता है तो कल दिन में शेयर करेंगे क्योंकि जो मेरा शादी का लहंगा है ना वो इसमें रखा हुआ है, तो अभी बहुत सारा इसमें सामान रखा हुआ है पूरा बर्तन वगैरह जो भी था। मम्मी बोल रही थी कि जो तुम्हारे घर से बर्तन मिला है ना वो सब तुमको दे देंगे, तो मेरे को लग रहा है कि वो सारा कुछ इसमें ही रखाया हुआ है, तो इसलिए इसमें एक ट्रॉली है उसमें मेरा लहंगा है मिस्टर राज का शादी का जोड़ा है तो उसमें ही रखे हुए हैं अभी, तो आप लोगों से शेयर करेंगे। बाकी आप लोग ये बताना है आप लोग कि जो मेरा रिसेप्शन का लहंगा है वो कैसा लगा, क्योंकि हमने सोचा था ना कि लाइट कलर ही वेयर करेंगे इसलिए, और खुद से मेकअप भी किए हुए थे, तो कमेंट में आप लोग सारा कुछ कमेंट कीजिएगा। और अब मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स को सारा शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत से ब्लॉग बना रहे, समझ में नहीं आ रहा था क्या शूट करें क्योंकि अभी काम भी बहुत ज़्यादा है, पूरा शादी ब्याह ख़त्म होता है ना तो लगता है कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद और भी काम बढ़ जाता है क्योंकि हर एक चीज़ ना शादी में हम लोग जल्दी जल्दी पहन के इधर उधर सेट कर देते हैं तो उसको सब सही से रखना होता है। अभी हमको भी अलमीरा अपना खाली करना है क्योंकि मम्मी का भी कुछ कुछ सामान रखना है इसमें, और पीछे अभी रूम बन रहा है तो उसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं बोले कि इसमें रख लेंगे। तो रहने थे इस व्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते हमारी इंस्टाग्राम आईडी राज मनीषा सचिन तो आप लोग फॉलो कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।